हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ईएपी क्वालीफायर्स की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया वर्सेस फिलीपींस के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आपको वर्ल्ड कप क्वालीफायर एशिया के भी वीडियोज मिलेंगे, साथ में यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालीफायर यहाँ पर अफ्रीका के भी वीडियो मिलेंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच सुबह में 9 बजे अमिनी पार्क पोर्ट मोरेस्बी पीएनजी में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर स्लो पिच है, देखो रन ज्यादा बनते नहीं, यहाँ पर 130 मैंने मेंशन किए लेकिन इतने भी अच्छे स्कोर बनते नहीं। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पर पहली बैटिंग पीएनजी करवाएगी तो यहाँ पर 150 प्लस भी जा सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर फिलीपींस यहाँ से पहली बैटिंग करवाई तो हो सकता है यहाँ पर 100 भी ना बना पाए। चेजिंग में यहाँ पर ज़्यादातर पहली बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, तो टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएनजी की, जो कि अभी तक 4 मैच खेली है, चारों ही मैच जीत के आ रही है। ओपनिंग में यहाँ पर टॉनी उरा के साथ यहाँ पर किपलिन डोरिका यहाँ से ओपनिंग करवा रहे हैं। और इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो टॉनी उरा काफ़ी अच्छे प्लेयर है, इस प्लेयर को हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते। इवन यहाँ पर पहले बैटिंग अगर पीएनजी करवाए तो आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का, एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक। किपलिन डोरिका की बात करें तो पहली मैच के अंदर 32 किए थे, इसके बाद इनका टोटल मिला के भी 32 नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक इस पिछले 3 मैच के अंदर टोटल मिला के इनके 19 रन है। अगर कोई चॉइस ना मिले तो यहाँ पर डोरिका को ले सकते हैं, और अगर जैसे पहली बैटिंग आती है तो आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर भी सकते हो, क्योंकि वैसे भी फिलीपींस की बैटिंग ऑर्डर मतलब बॉलिंग ठीक ठाक है यहाँ पर। इनके अलावा से असद वाला जो कि टीम के कप्तान है, एज अ प्लेयर इससे वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। 34 पहली मैच के अंदर, इसके बाद एक किए, लेकिन पिछले दोनों मैच के अंदर यहाँ पर 28 और 43 किए। ये बंदा ना यहाँ पर बॉलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त करवा लेता है, लेकिन अभी तक इनको जरूरत पड़ी नहीं गेंदबाजी करने की। बाकी ओवरऑल 45 मैच के अंदर 27 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, और यहाँ पर अगर टीम अगर मुसीबत में आती है, जो कि ऐसे बहुत ही मुश्किल है, तो ही यहाँ पर ओवर्स करवाएंगे, तो ओवर्स करवाने के चांसेस इनके बहुत ही कम है। तो यहाँ पर एज अ प्लेयर हम लोग लेके जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे, लेकिन एक्सेप्टेशन हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर बैटिंग से ही होगी। लेगा साइका ओके रहेंगे यहाँ पर, हालांकि इन्होंने भी 43 रन एक मैच के अंदर जरूर किए हुए, तो अगर कोई चॉइस ना मिले तो इनके ऊपर रिस्क ले भी सकते हो। सेसे ब्याओ को मैं सजेस्ट करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इस प्लेयर को मिस मत करना, ये बंदा यहाँ पर बैटिंग है तो बॉलिंग से आपको एडवांटेज दे ही देगा, डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा से हीरी की बात करते हैं, यहाँ पर हीरी भी पिछली 3 मैच के अंदर काफ़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछली 2 मैच के अंदर 11-16 रन किए, इससे पहले यहाँ पर इन्होंने 46 रन के साथ 2 विकेट निकाली थी, ध्यान में रखिएगा, ऐसे एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो। नॉर्मन वन हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है, 2 विकेट फिर यहाँ से विकेटलेस 1 विकेट, और यहाँ पर 23 रन भी किए और 3 विकेट भी निकाले, तो हो सकता है बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकती है, ध्यान में रखिएगा ऐसे नॉर्मन वन हुआ को। इनके अलावा ऐसे चार्ल्स अमीनी डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, मतलब यहाँ पर सबके कप्तान और वाइस कैप्टन यहाँ पर चार्ल्स अमीनी ही रहने वाले, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज है। अभी तक परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2 विकेट पहली मैच के अंदर, इसके बाद 2 विकेट दूसरी मैच के अंदर, साथ में 9 रन किए, इसके बाद 30 रन किए और विकेट लेस रहे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर एक बार फिर से 9 रन के साथ 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। बाकी एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। जॉन करिको की बात करते हैं, जो कि पहली मैच के अंदर 3 विकेट निकाले, ओवरऑल इनके 2 मैच के अंदर 4 विकेट है, और अभी तक 4 मैच के अंदर इन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पर 3 विकेट, 2 बार 1-1 विकेट, और एक बार लास्ट मैच के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर 2 विकेट, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर जॉन करिको को हम लोग लेके जाएंगे। इनके अलावा वैसे एली नाओ की बात करते हैं, यहाँ पर पहले मैच के अंदर विकेट निकाला, दूसरी 2 मैच के अंदर विकेट लेस रहा, लेकिन यहाँ पर ओवर्स पूरी करवा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हो सके तो इनके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, अगर यहाँ पर पहले गेंदबाजी करवाए तो ऐसे इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो आप लोग, इनको स्मॉल लीग में भी लेके जा सकते हो, ग्रैंड लीग में भी लेके जा सकते हो। शैमल कमिया की बात करते हैं, जो कि पहली मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, दूसरी मैच के अंदर भी 2 विकेट निकाले, ओवरऑल 9 मैच के अंदर 9 विकेट है, एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो जे करिको के साथ यहाँ पर ए नाउ, डेथ ओवर्स में यहाँ पर एस कमाओ के साथ यहाँ पर एन वन हुआ,
डेथ में आएंगे, और बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। एक प्लेयर है यहाँ पर कपुआ मोरिया, अगर खेलता है तो डेफिनेटली आप लोग इनको लेके जाएंगे। बात करें हम लोग यहाँ पर फिलीपींस की, जो कि 4 में से सिर्फ एक मैच जीती है, 3 मैच हारी। ओपनिंग में यहाँ पर अर्शदीप सिंह समरा के साथ यहाँ पर ग्रांड रस ने ओपनिंग करवाया। तो जिन भाइयों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर मैंने स्पेशली इस प्लेयर को मेंशन किया था, अर्शदीप सिंह समरा को, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। यहाँ पर 15 मैच के अंदर करीबन 38 की एवरेज से 499 करीब 500 रन है, 25 ओवर्स की गेंदबाजी करते हैं, 8 विकेट भी, ओवर्स ज़्यादा तो करवाएंगे नहीं, लेकिन बैटिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ग्रांड रस विकेट कीपिंग सेक्शन से देखेंगे आई थिंक बेस्ट पिक रहेगा यहाँ पर, 18 ओवर 43 जैसे रन किए दोनों मैच के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इनके अलावा से जोसेफ डॉक्टोरा जो कि पहले मैच के अंदर 28 किए थे, लेकिन इसके बाद इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, रिस्की रहेंगे। जॉर्डन एलिंगी इनको मैंने हटाया नहीं है, देखो इसके पहले इन्होंने वन डाउन बैटिंग की थी, पहली मैच के अंदर 33 किए और जब वो लास्ट मैच खेले थे तब 30 किए थे। ध्यान में रखिएगा अगर ये प्लेयर एज अ प्लेयर खेलता है तो हमारे लिए एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनेगा। इनके अलावा से डेनियल स्मिथ एज अ प्लेयर के साथ पब्लिक इनको वाइस कैप्टन कैप्टन वगैरह कर सकती है, ध्यान में रखिएगा इनको आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इनके अलावा से बात करते हैं जी मगल कटापोंग पोडोस की, जो कि पहली दोनों मैच के अंदर 2-2 विकेट और पिछले दोनों मैच के अंदर ऐसे ओवर्स नहीं करवाई, लेकिन सेकंड लास्ट मैच के अंदर 28 रन की बारूद जरूर खेली थी, तो अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। गुरभूपिंदर ने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे, लेकिन इसके पहले इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, मुझे रिस्की लग रही है, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। लुकीज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर भले विकेट लेस रहे हो लेकिन ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। इनके अलावा से अमनप्रीत सिरा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, यहाँ पर म्योंट को लेके जाना है, म्योंट यहाँ पर रेगुलर विकेट टेकर गेंदबाज है, हर एक मैच के अंदर विकेट निकाली है। देखो यहाँ पर बात करूँ म्योंट की तो ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, अमनप्रीत सिरा लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज है, और यहाँ पर कैप्टन लुकीज की बात करूँ तो ये लेफ्ट आर्म ऑटोडॉक गेंदबाज है, तीनों यहाँ पर स्पिनर है और तीनों ही लगभग ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा रहा है, जहां पर लियाम जैकब तो 4 मैच के अंदर विकेट निकालते आ रहे हैं, अमनप्रीत सिरा ने 3 मैच खेले जहां से 2 बार विकेट निकाले, और कैप्टन लुकीज ने 4 मैच खेले जहां पर 2 बार विकेट निकाले, लेकिन दोनों ही बार यहां पर 2 और 2 विकेट निकाले। अमनप्रीत सिरा ने भी 2 विकेट निकाले, यहां पर 3 विकेट और 2 विकेट निकाले, लियाम जैकब हर एक मैच के अंदर 1-1 विकेट निकाले, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, तो ये तीनों प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रह सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी हार्नी आइजोलेना वेरी इंपॉर्टेंट रिस्की रहेंगे, जीएल में ट्राई करोगे, और हुजेफा मोहम्मद अक्रम के ऊपर रिस्क ले सकते हो, हालांकि पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल तो आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ से हो सके तो इनको एज अ प्लेयर ट्राई भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ पर कैप्टन लुकीज के साथ यहाँ पर डेनियल स्मिथ, और डेथ हाउस में यहाँ पर गुरभूपिंदर सिंह के साथ यहाँ पर लियाम जैकब म्योंट यहाँ पर डेथ में आएंगे, तो यहाँ पर इन दोनों प्लेयर के ऊपर खास ध्यान रखिएगा। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दी जाएंगे आपको, तो जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से इंपॉर्टेंस तो एक ही प्लेयर बचता है, यहाँ पर 2 प्लेयर के रिकॉर्ड वगैरह है नहीं, बाकी खेलेंगे तो आपको अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। और विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर के डोरिका को मैंने लिया है, यहाँ पर आप लोग ग्रांट ट्रस्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीएनजी की बॉलिंग के सामने ग्रांट रस जल्दी आउट हो सकते हैं, इसके लिए मैंने नहीं लिया। आप लोग चाहते ऐसे डोरिका की जगह पर भी आप लोग इनको ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में टोनी उरा यहाँ पर सेसे बाहू हैं, और यहाँ पर एल सियाका हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी तो यहाँ पर हीरी को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर डेनियल क्रिस्टोफर स्मिथ, यहाँ पर चार्ल्स अमीनी असद वाला, और यहाँ पर अमनप्रीत कौन सा नाम है इनका, अर्शदीप सिंह समरा, अर्शदीप सिंह समरा को मैंने लिया है। समरा की जगह पर आप लोग यहाँ से सिरा को भी ले सकते हैं। देखो समरा यहाँ बैटिंग से एडवांटेज देगा और सिरा यहाँ पर बॉलिंग से एडवांटेज देगा, दोनों आपकी चॉइस है। बाकी जो लोग सेफ जाना चाहे ऐसे पड़ोस के को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिरा के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर एन वनुआ इनके साथ, यहाँ पर एल जैकब म्योंट, और यहाँ पर जे करीको हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर आप लोग कास्पर लुकीज को ट्राई कर सकते हैं और कमिया को भी ट्राई कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम के में हमारे कप्तान रहेंगे यहाँ पर चार्ल्स अमीनी, वाइस कैप्टन हमारे मैंने असद वाला को किया है। चॉइस की बात करते हैं तो चॉइस में आप लोग डेनियल क्रिस्टोफर स्मिथ उनका पूरा नाम है, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेफ रहेंगे। और बाकी का ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर टोनी उरा, जिनको बहुत सारी पब्लिक कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकती है, दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी को भी आप लोग चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। हालांकि देखो ये जो टीम है ये डेमो टीम है, इसमें भी लाइनअप के बाद आपको बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखेंगे, और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको फाइनल स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की टीम मिलने वाली है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तो मिल
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। देखो यहाँ पर सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, और खासतौर पर यहाँ पर ना आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, स्किप मत करो, क्योंकि यहाँ पर एक दो प्लेयर का भी अगर इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो यहाँ पर हो सकता है आगे जाके आपको वही प्लेयर बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आप लोग सारे प्लेयर्स के बारे में अच्छे से समझो, वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।